अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महरीन्स किचन। आज मैं बना रही हूँ महरीन्स किचन में चटपटा चाट मसाला रमज़ान स्पेशल, जिसके लिए मेरे पास है साबुत मिर्चें गोल वाली, रेड चिली ये मैंने लिए 15, 3 टेबल स्पून सौंफ लिए, 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, पिसी हुई खटाई, मैंगो पाउडर ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, काला नमक लिया है 2 टीस्पून, और ये थोड़ी सी नौसादर लिए मैंने 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, वाइट सॉल्ट सफ़ेद नमक 1 टीस्पून लिया है, और ये सौंठ का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और सिट्रिक एसिड टार्टरी ली है 1 टीस्पून। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेड चिली जो है, ये साबुत लाल मिर्ची, इनको 2 टेबल स्पून में हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होंगी इतनी देर में हम अपनी सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरा भून लेते हैं। साबुत लाल मिर्चों को थोड़ा सा छुरी की नोक से इस तरह से सर्किल में थोड़ा सा राउंड में कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह इसका जो बीज है वो रोस्ट हो जाएगा, अच्छा सा खूब फ्राई होगा इसमें। फ्लेम ऑन कर दें अपना। हमारा इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। जब तक ये रोस्ट हो रही है हमारी फ्राई हो रही है मिर्चें, तब तक हम साबुत धनिया सौंफ और ज़ीरा रोस्ट कर लें। फ्लेम ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम पे ही हम इन चीज़ों को भी रोस्ट करेंगे, सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा। मिर्चें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसका, और यहाँ साबुत धनिया सौंफ और ज़ीरा ये भी हमारा रोस्ट हो गया है। चलिए इसको हम एक ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रखेंगे एक प्लेटर में। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है भुनने की, इसकी रोस्ट की। ठंडा हो गया है हमारा साबुत धनिया सौंफ और ज़ीरा, इसको हम के अंदर मिक्सी जार जो है हमारा ये जूसर ब्लेंडर का, इसमें डालेंगे। रोस्ट मिर्ची डालेंगे, साबुत गोल मिर्च जो हमने रोस्ट किए, ब्लेंड 2 मिनट। इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे हिला के। थोड़ा सा इसमें निकाल देंगे, और अब इसमें हम पिसी हुई खटाई, काला नमक, सिट्रिक एसिड टार्टरी,
वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक, नौसादर जो कि हाफ टी स्पून ही है। वाइन को थोड़ा सा हम भूनेंगे, हल्का सा बिल्कुल रोस्ट करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। व्यूअर्स आप लोग बोलेंगे इतना सा अजवाइन है और इतना बड़ा पैन, तो मेरे छोटे वाले सॉस पैन में जो है वो मिर्चों का ऑयल है, इसलिए मैं इसमें ही इसको रोस्ट कर रही हूँ। बहुत सी लोग जो हैं वो काली मिर्चें, ब्लैक पीपर, बे लीव्स, तेज़पत्ता ये भी डालते हैं, मगर ये चाट मसाले में मैं नहीं डालती। ये भी ऐड कर देंगे मिक्सी जार को दोबारा मशीन पे लगा के, और इसे 2 मिनट्स ब्लेंड करेंगे। अब जो ये मैंने पहले निकाला था थोड़ा सा इसको भी ऐड कर देंगे और एक साथ इसको ब्लेंड करेंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा ये ब्लेंड हो गया है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ये बनाया है चटपटा चाट मसाला, तो इसके अंदर मैंने डाली है 15 साबुत मिर्ची। आपको अगर थोड़ा स्पाइस कम करना हो, जैसे कुछ लोग मिर्चें कम खाते हैं, तो 7 या 8 भी कर सकते हैं, क्वांटिटी साबुत मिर्च की कर सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने क्योंकि बनाया है चटपटा चाट मसाला इसलिए मैंने 15 लिए, और जितनी अच्छी रोस्ट होंगी ये चीज़ें तो मसाला उतना ही अच्छा बनेगा, और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। रमज़ान में चंगी चाट, दही बड़े, इसके साथ ही आप ज़रूर जो है डालें, खाएं बना के। इसको हम जार में रख लेंगे, जार में आप इसे स्टोर करें, पूरा महीना आपका ये चाट मसाला चले, इससे ज़्यादा भी चल जाएगा। आज की रेसिपी चटपटा चाट मसाला रमज़ान स्पेशल रेडी हो गया है। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बैक फीडबैक दें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि रेसिपी कैसी लग रही है मेरी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, और मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।